अपना इस प्रोबेबिलिटी का एक कंसेप्ट देखते हैं कार्ड्स वाला। अपने को जैसे कि मालूम है कि कुल पत्ते जो है 52 होते हैं, उसमें लाल भी होते हैं और काले भी होते हैं। तो अपन देखें तो फिर से जो टोटल कार्ड्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं आपके रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स में। रेड कार्ड्स हो गए आपके 26, ब्लैक कार्ड्स हो गए 26। फिर से दोबारा डिवाइड हो जाते हैं आपके रेड कार्ड्स में, फिर आ जाते हैं आपके दो सिंबल्स के हार्ट्स और डायमंड्स। हार्ट्स हो गए 13, डायमंड्स हो गए 13। इसी प्रकार से फिर ब्लैक कार्ड्स आपके डिवाइड हो जाते हैं क्लब्स और स्पेड्स। क्लब्स हो गए 13, स्पेड्स हो गए 13। आप देखते हैं कि हर पत्ते में जैक, क्वीन, किंग रहता है। अब इनके ऊपर यही कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन फेस कार्ड्स। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रेड वाले 6 फेस कार्ड्स हो जाएंगे और ब्लैक वाले आपके 6 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। अब पूरे गड्डी में टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। यहाँ से अब किसी भी चीज़ की, कोई भी कार्ड की आपको निकालने के लिए बोलता है प्रोबेबिलिटी, तो अपन निकाल सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड। जैसे फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता है तो अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएगा आपका 12/52 विच इज इक्वल टू 3/13। तो इस प्रकार से हम कोई सा भी उसका निकाल सकते हैं। और एस आपके 4 होंगे टोटल, मतलब हर कार्ड जो है आपका हर पत्ता जो है आपके 4-4 इसके अंदर होंगे। अब इसके बाद देखते हैं एक और मेन कंसेप्ट जो ईयर को ऊपर वो रहता है। एक साल में हम सबको मालूम है कि 365 दिन होते हैं, और चार साल में एक साल ऐसा होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पे ईयर्स में भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लीप ईयर दूसरा होता है नॉन लीप ईयर। मतलब यहाँ पे आपको जाते हैं 365 डेज, लीप ईयर में जाते हैं 366 डेज। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं अगर इसको 7 से यदि डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं अपने पास, तो यहाँ पे 365 के यदि आप करोगे डिवाइड 7 से एक दिन आपका बच जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको करेंगे अपन तो यहाँ पे 2 दिन बच जाते हैं। तो मतलब ये कि 52 तो आपके कुल सप्ताह होंगे, मतलब उसमें संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, 52 पूरे आएंगे आपके। लेकिन आपसे 53 बोल देता है। पहले अपन नॉन लीप ईयर में देखते हैं, अगर आपसे बोलता है यहाँ पे 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे जो एक दिन जो बच गया है, ये जो दिन है आपका संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये जो एक दिन बचा है इन 7 दिनों में से कोई सा भी दिन वो हो सकता है। अब सपोज आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज, तो 52 तो ये हो गया आपका, मतलब वो तो आना ही है मंडेज। अब एक मंडे और, मतलब 365वां दिन जो है वो मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो यहाँ पे जो एक दिन बच गया उसके टोटल कैसे 7 है आपके पास, और इसमें मंडे कहाँ पे सिर्फ एक जगह, तो इसकी हो जाएगी हमेशा 1/7। मतलब यहाँ पे कोई सा भी दिन का पूछे तो उसकी प्रॉबिलिटी आपकी 1/7 होगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपने 2 दिन बच गए हैं, अब ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन मतलब 365वां और 366वां दिन, यदि 65वां संडे होगा तो दूसरा जो है मंडे होगा, अगर 65th डे मंडे होगा तो फिर ट्यूजडे होगा, फिर ट्यूजडे होगा तो उसके बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा तो थर्सडे होगा तो फ्राइडे, फ्राइडे होगा तो सैटरडे, और सैटरडे होगा तो नेक्स्ट संडे। और यहाँ पे भी सपोज अपन मान लें 53 संडेस आपको पता करना है क्या प्रॉबिलिटी होगी मंडेस का, 53 मंडेस। अब यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 4, 5, 6, 7। अब इसमें से मंडेस कितने जगह आते हैं, ये पहले वाले में एक सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/7, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में अपन देखेंगे 2 डाइसेस को लेकर, वो करेंगे अपन की सारे पॉसिबिलिटीज और उसके जो संभावनाएं रहती हैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा।